अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम लाहौर। आज सुबह सुबह का वक्त है और दिन चल रहा है, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाते हैं। घर में अकेला हूँ, कोई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ ही बातें, व्यूज़ के साथ बातें करते हैं और आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह का टाइम है, नमाज वगैरह अभी फजर हुई है, थोड़ी देर पहले उन्होंने नमाज पढ़ी है। बनाते हैं अपने लिए चाय, एक अच्छी सी चाय बना के फिर आपको आज का पूरे दिन का प्लान बताते हैं। ये जी अपने परिंदे हैं, एक चाय से पहले मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने परिंदे रखे हुए हैं, डर रहे हैं मोबाइल देख के। सुबह सुबह इतनी इनकी प्यारी आवाज़ें आती हैं ना, यहाँ से फजर का टाइम होता है, वो आप नमाज पढ़ के फारिग, इतना यहाँ बाकी परिंदे उड़ते हुए आते हैं तो ये बोलते इतने प्यारे लगते हैं ना, इतना सुकून पहुँचता है दिल को और रौनक लग जाती है। अभी मैंने इनको खाना वगैरह दिया है, पानी वगैरह दिया है, अब जाके खुद की चाय वगैरह बनाते हैं, फिर मेरा एक दो जगह काम है आपको भी दिखाता हूँ, चलते हैं इकट्ठे वो करते हैं। और उसके बाद रात का आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं, वो उस वक्त आके डिसाइड करेंगे। अभी चलते हैं अपने काम वगैरह करते हैं, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं आज अपना पूरा दिन किस तरह जा रहा है। ये जी अपनी चाय बन के आ गई है गर्मा गर्म, और इधर अब थोड़ा सा ना काम कर लें। ये असल में आज की वीडियो है जो डाल ली है, मैं इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। ये जी आज की वीडियो मैंने वही बैठ के एडिट कर रहा हूँ, तो साथ गरम गरम अपनी चाय पी लें, गुड़ वाली चाय मैंने बनाई है। मज़ेदार है अभी। अच्छा, आजकल लाहौर में स्मॉग बहुत हुआ हुआ है, अभी मैंने जाना था, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा कि बाहर इतना ज़्यादा वो फॉगी सा मौसम है, लेकिन वो फॉग नहीं है, स्मोक है, और गले को ना लग रही है और आँखों से पानी निकलने लग जाता है। तो आजकल जो भी ऐसे टाइम पे सफ़र कर रहा है सुबह या रात को, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें, एक तो मास्क ग्लास भी पहने, दूसरा ग्लासेस वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैठ के न्यूज़ ही जब पढ़ रहा था, कि लाहौर के पोल्यूशन इंडेक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन हो गया है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एयर इंडेक्स है लाहौर का। तो सब ख्याल करें, बेहतर है कि दरख्त लगाएं, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसमें करूँ और माहौल को बेहतर कर सके। बाकी मैं ये एडिट कर लूँ, फिर हम निकलते हैं, कहीं चलते हैं। सुबह का वक्त था, चाय वगैरह मैंने पी, बाहर आया हूँ जॉगिंग के लिए, और स्मोग हुई हुई है, गले को लगती है, और आजकल ये मौसम दिखने में तो प्यारा है, लेकिन ये है बड़ा ख़तरनाक। मैं आपको ज़रा दिखा, नहीं जी, अब मैं आया हूँ बाहर से अपने सारे काम करके वापस आ, अब मैं बनाने लगा हूँ। आज मैंने बाहर से भी कुछ नहीं खाया, भूख से मेरी बस हुई हुई है, तो मैं ऐसी डिश बना रहा हूँ जो फौरी बन जाए। ये मैंने कबाब निकाल लिए, अंडा निकाला है, उन्हें ज़रा मिक्स करके बनाते हैं, कोई भी चीज़ बन जाए मज़ेदार और उसके साथ खाना खाते हैं। मैं आपको बनाते हुए दिखाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ, अभी मुझे भूख से बस हुई हुई है, तो मैं कुछ ना कुछ बना लूँ, फिर आपसे करता हूँ। ले जी स्टार्ट करते हैं, पहले कबाब फ्राई कर लूँ। ले जी हल्का सा नमक डाल दीजिए, बंद कर देते हैं, अभी ये बन गया, इसे ज़रा हिला दें। अंडा, प्याज, टमाटर और ये एक समझ लें अंडे की भुर्जी टाइप बन जाती है इस तरह। और इसमें मैंने डाला है मिर्च, प्याज, मिर्च, नमक, लाल मिर्च, और वो जो दानेदार मिर्च होती है वो भी डाल दी है। उसके अलावा डाला है जी, इसे ज़रा फैला देंगे, और
इसे अब ना कबाबों को अच्छी तरह इसमें तोड़ देंगे और मैश करेंगे। जब मेरा कुछ बनाने को दिल ना हो तो ये सबसे इजी डिश है और मज़ेदार भी बहुत है। जैसे मैं शाम को आप बना के किसी दिखा दूंगा। ये अपनी डिश हो गई है तैयार एकदम मज़ेदार। ये अपना टेबल लग गया नान। पहले मैंने सोचा था रोटी ले आऊँ, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि रोटी ले आऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ये जैसी डिश है ना इसके साथ बाजार में भी नान टाइप मिलता है, तो नान ले आया हूँ। अब इसे भूख बहुत लगी हुई है, मैं इसे खाता हूँ। मज़ेदार है लेकिन थोड़ा स्पाइसी काम है, थोड़ा और स्पाइसी होना चाहिए था। मैंने काम ज़रा बनाया। ऐसे खाते हैं जी, गरम गरम है।